आज के इस वीडियो में बात करूंगा निंजा स्क्रॉल एनिमे मूवी के बारे में जो 1993 में आई थी। बहुत ज्यादा पुरानी है लेकिन क्या करें यार, इसको देखने का मन किया ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे कि मतलब इसका ट्रेलर नहीं देखा था, इसके बारे में कुछ जाना नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं थी, बस देखने की इच्छा हुई और इसको देख लिया। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इस मूवी की जो स्टोरी है वो कुछ लोग जो है इसके अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, वो खुद की एक आर्मी चाहते हैं और अपनी आर्मी बनाने के लिए इनको सोना चाहिए, सोना मतलब कि गोल्ड चाहिए, और इनके रास्ते में कोई ना आए और ये आसानी से इस गोल्ड को अपने पास ले पाए तो इसके लिए कुछ निंजा हायर करते हैं। बहुत खतरनाक निंजा होते हैं, ये 8 निंजा इसके अंदर बताए गए हैं, और उन खतरनाक निंजाओं का मतलब यही काम होता है कि जो भी इनके रास्ते में उनको मार दे, और इन 8 निंजाओं का जो लीडर होता है उसका नाम होता है गामा। फिर एक एनिमे कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जुबई। ये जो है किसी को बचाते हुए इन 8 निंजाओं में से, इन खतरनाक खूंखार निंजाओं में से एक निंजा को ये मार देता है, और ये जिस लड़की को बचाता है उसका नाम होता है कगारो। अब ये इसकी इस कला को देखते हुए मतलब कि जो भाई ने इस लड़की को बचाया, एक खतरनाक निंजा को मार दिया जो कुछ लोग इसको मार नहीं पा रहे थे, वहां पर ये एक तलवार से इसको मार देता है, तो इसकी इस कला को देखते हुए एक गवर्नमेंट का स्पाई यानी गवर्नमेंट का जासूस इसको हायर करता है इन 8ों के खिलाफ, या फिर कहीं जो एक ग्रुप बना हुआ है कुछ लोगों का गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी एक आर्मी बना रहे हैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए, इसको ये हायर करता है। और ये जो गवर्नमेंट का स्पाई होता है एक बुजुर्ग होता है, और सच में ये बूढ़ा ना बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है। अब ये हायर तो कर लेता है इस जुबई को, साथ ही साथ एक लड़की जो है इसके अंदर जो निंजा गर्ल जो बताई गई मैंने, जिसको इससे बचाता है, ये एक बहुत ज्यादा जहरीली लड़की है। जहरीली का मतलब है इसके अंदर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है, जिसके चलते भाई साहब इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मतलब कि इसको कोई टच भी नहीं कर सकता, प्यार भी नहीं कर सकता, और ये भी नहीं कर सकते। वैसे जब मैंने ये मूवी देखनी शुरू की थी तो मैंने बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लगाया था कि यार इसके इस कदर तक इसके अंदर 18+ सीन इसके अंदर डाले जाएंगे। सच में मेरा बिल्कुल कोई भी ऐसा मतलब थॉट नहीं था इसका ऐसा कुछ दिखाया जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और इसके साथ ही साथ जुबई की जो कहानी इसके अंदर दिखाई जाती है कि हाँ वो कहां से आया, उसका पास्ट क्या है, थोड़ा बहुत हमें उसके बारे में बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन ज्यादा इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। ओवरऑल इसकी स्टोरी की बात करूं तो देखो यार बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है कि कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, उनको रोकने के लिए एक बंदा हायर किया जाता है, अब उसको रोकना है, तब यही इसके अंदर दिखाया जाता है, जो अच्छी चीज है। लगता है कि हाँ एक पुराने टाइम की एक हम एनिमे मूवी देख रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसको देखने का। भले इस मूवी की सिंपल स्टोरी है लेकिन इसकी लेंथ इतनी कम है, मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट ही इसकी लेंथ है, जिसके चलते हम इसमें बोर नहीं हो पाते हैं। हाँ मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हमें इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी कम लेंथ की मूवी है। और अब अगर आप इस मूवी के एनिमेशन को कंपेयर करें आज के एनिमेशन से, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसके अंदर जिस तरीके से एनिमे कैरेक्टर डेवलप किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल की उनकी हाइट काफी ज्यादा दिखाई गई है, और या फिर उनका फेशियल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आज के एनिमे स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन जैसे भी है हमें अच्छी लगती है। मुझे तो अच्छी लगी यार, आप लोगों का नहीं पता, अगर आप लोग देखेंगे तो शायद आपको पसंद आ जाए। फाइटिंग सीक्वेंस की बात करूं तो देखो निंजा स्क्रॉल इसका नाम पढ़कर मैंने इसे जब देखना शुरू किया तो उम्मीदें थी कि यार इसके अंदर फाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई जाएंगी, लेकिन यार वो उतनी अच्छी फाइटिंग नहीं होती है, पर ठीक है यार उससे हम काम चला सकते हैं। और ये सीरीज बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वॉयलेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा है, 18+ सीन इसके अंदर ज्यादा है, मतलब कुछ ज्यादा ही है। मेरी तरफ से इस एनिमे मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने एनिमे मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो एक बार ट्राई करना। काफी टाइम मतलब कि काफी पुरानी एक एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी कैसी होती थी, कैसे उसके स्ट्रक्चर होते थे, तो थोड़ा बहुत आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हाँ इसमें आप बोर नहीं होगे, और हाँ 18+ ही मतलब देखना, समझ रहे हो ना। ओके बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।